हेलो दोस्तों, अगर आप बाइक मैकेनिक है तो ये वीडियो को जरूर देखिए। क्यों? आज हम आपको बताने वाले हैं बाइक के जो इंजन होता है, इंजन वर्क कैसे करता है। अगर ये सब आप लोग नहीं जानेंगे तो बाइक मैकेनिक बन नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो को आप लोग फुल वॉच करेंगे तभी आप पता चलेगा जो एक्चुअली इंजन क्या होता है। तो आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो फोर स्ट्रोक बाइक का जो इंजन है वो वर्क कैसे करता है। एक इंजन में हम लोगों का क्या क्या जरूरत होता है, क्या क्या सामान लगता है, कैसे इंजन स्टार्ट होता है। अगर एक भी चीज हम लोग का खराब हो जाता है तो बाइक में हम लोग का स्टार्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो ही आप लोग समझ पाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पे पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। बाइकों में दिया जाता है इंजन। अभी की जमाना में जो अभी बाइक चल रहा है BS6 से लेके BS7 तक, और जो बाइक में इंजन है वो है इंजन हम लोग का फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक का अर्थ क्या है पहले आप लोगों को वो समझना है, उसके बाद आप लोग जान पाएंगे जो फोर स्ट्रोक इंजन मार्केट में क्यों आया है वो आप लोग जान पाएंगे, तो ही आप लोग काम कर पाएंगे। पहले के ज़माने में क्या था, टू स्ट्रोक इंजन था। टू स्ट्रोक इंजन में हम लोगों को काफ़ी सारे पोल्यूशन दिखाई दे रहा था, इसकी वजह से सरकार ने क्या किया, टू स्ट्रोक बाइक को सीज कर दिया और निकल के आया फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन में काफ़ी सारे चीज़ परिवर्तन किया है। फोर स्ट्रोक का अर्थ क्या है वही आज आप लोगों को बताएंगे। फ्रेंड चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ फोर स्ट्रोक का अर्थ क्या है, तब आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह हम लोग का ब्लॉक किट, और ब्लॉक किट के अंदर दिया जाता है एक पिस्टन। ये शायद ओवर साइज है, इसका साइज मुझे नहीं मिला, यानी कि यह हम लोगों का पिस्टन। पिस्टन जब ऊपर नीचे जाता है तभी होता है फोर स्ट्रोक। कब कहाँ जाएगा स्ट्रोक बनेगा वो आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोगों को बता देता हूँ चार स्ट्रोक का नाम बताता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले होता है हम लोगों का क्या, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक का काम क्या है, तो फ्रेंड्स नीचे जब जाते हैं यानी कि यार और पेट्रोल को खींच के लेके आते हैं पिस्टन रिंग की मदद से, यानी कि पंप होकर सक्शन करते हैं, उसी दौरान होता है सक्शन स्ट्रोक। पेट्रोल और यार को खींच के लेके आया, अब आने के बाद इस पोजीशन में रहता है, रहने के बाद जब नीचे आता है तो हम लोगों का हो गया है सक्शन स्ट्रोक। क्या हुआ, सक्शन स्ट्रोक। उसी वक्त फिर क्या होता है, क्रैंक घूमने के बाद फिर पिस्टन हम लोगों को ऊपर जाता है, ऊपर जाने का इस पोजीशन में रह जाता है, तो उसी दौरान हम लोगों का होता है कंप्रेसर स्ट्रोक। कंप्रेसर का काम क्या, कैसे बना, यार और फ्यूल का मिश्रण को खींच के लेके आया, लेने के बाद यानी कि फिर नीचे से जो हम लोग का रिंग की जरिया से लाइनर की मदद से कंप्रेसर ज़्यादा किया, ज़्यादा करने के बाद जब हम लोग का पिस्टन ऊपर आ गया तो उस वक्त हो गया है कंप्रेसर स्ट्रोक। कंप्रेसर स्ट्रोक होने के बाद फिर क्या हुआ, बाइक में दिए जाता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में करंट कब आता है, फ्रेंड्स यह है हम लोगों का क्रैंक पोजीशन सेंसर। क्रैंक पोजीशन सेंसर यानी कि मैग्नेट के इस साइड में यानी कि ऐसे करके लगा हुआ रहता है ना, और मैग्नेट में एक पोल दिया गया है। इंजन जब रोटेट होता है टाइमिंग के साथ तो ऑटोमेटिक घूमने के बाद जब यहाँ हम लोगों का इस पोजिशन में आ जाता है क्रैंक पोजिशन सेंसर, उसी दौरान क्या होता है CDI यूनिट को सिग्नल प्रोवाइड करता है, वोल्टेज नहीं सिग्नल प्रोवाइड करता है। जो पिस्टन टॉप में चला गया है ये सिग्नल यहाँ प्रोवाइड करने के बाद ये क्या करता है, हाई वोल्ट में कन्वर्ट होकर हार्टली कॉयल में वोल्टेज सिग्नल आता है, और ऑटोमेटिक वोल्टेज आएगा सिग्नल आने के बाद हाई वोल्ट होकर इस पर प्लग की जरिए से बिजली चालू होगा, हेड पे लगा हुआ रहता है। मान लीजिए यहाँ इस तरह से लगा हुआ रहेगा पिस्टन के ऊपर तो क्या होगा, बिजली आएगा और पेट्रोल रहेगा, और यानी कि यहाँ कंप्रेसर रहेगा तो क्या होगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। बिजली जब ही आएगा तो पावर स्ट्रोक उसी वक्त चालू होता है, जो करंट आता है उसी वक्त पावर स्ट्रोक चालू होता है। चालू होने के बाद जब गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो जब हम लोगों का साइलेंसर से जो एग्जॉस्ट निकलता है तो वो आखिरी स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, चार स्ट्रोक ऐसे ही बनता है गाइस। तो एक इंजन जो फोर स्ट्रोक होता है आप लोगों को अर्थ बताया, फोर स्ट्रोक का अर्थ क्या है पहले आप लोगों को वो समझना है। अब मान लीजिए बाइक में एक स्ट्रोक ख़राब है तो क्या होगा, गाड़ी जो है हरगिज़ हर हाल में स्टार्ट नहीं होगा। तो आप लोगों को चेकअप करना है, जो सक्शन स्ट्रोक हम लोगों का ख़राब हुआ है, कंप्रेसर स्ट्रोक ख़राब हुआ है, या हम लोगों का पावर स्ट्रोक ख़राब हुआ है, या एग्जॉस्ट स्ट्रोक ख़राब हुआ है, ये कैसे आप लोग जानेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बाइक अगर स्टार्ट नहीं होगा तो उसी दौरान कार्बोरेटर का जो मुँह होता है, मुँह पर हाथ डाल के बाइक को किक मारेंगे तो आपका हाथ जो है
खींचेगा इसका मतलब खींच रहा है तो आप लोगों का फ्यूल का मिश्रण जो है यार का मिश्रण इंजन टान रहा है, वो होता है हम लोगों का सक्शन स्ट्रोक। अगर वहाँ से नहीं टानेगा तो आप लोगों का स्टार्ट बाइक नहीं होगा। अगर आप लोगों का हाथ को नहीं टान रहा है कार्बोरेटर से तो आप लोगों को उसी दौरान क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले आप लोगों को चेकअप करना है वाल्व, पिस्टन का रिंग, क्योंकि दोनों का ही काम है कंप्रेसर यानी कि लाना और खींचना। तो अगर पिस्टन रिंग डाउन हो जाएगा टू स्ट्रोक इंजन में तो आप लोगों का हाथ तो नहीं खींच पाएगा और यानी कि बाइक स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपका हाथ खींच रहा है, हाथ में पेट्रोल भी लग रहा है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसी दौरान आप लोगों को सक्शन स्ट्रोक जो है ठीक है, अब आप लोगों को कंप्रेसर स्ट्रोक देखना है। कैसे, स्पार्क प्लग को खोलकर हेड के छेद पर उंगली डालो और किक का उपयोग करो और किक मारो फटास फटास करके। आपका उंगली को अगर ठेल रहा है तो कंप्रेसर स्ट्रोक भी ठीक है, और कंप्रेसर स्ट्रोक भी ठीक है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप चेक कर लीजिए पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक कैसे चेक करेंगे, पावर स्ट्रोक में हम लोग का होता है क्या, यानी कि ये सब कॉयल होता है, CDI कॉयल, क्रैंक पोजीशन सेंसर, बाडली कॉयल। तो सबसे पहले आप लोगों को CDI यूनिट में एक वोल्टेज देखना है जो न्यू मॉडल वाली बाइक में, BS4 वाला बाइक में, और BS3 बाइक में आप लोगों को एक होता था क्या, मैग्नेट के अंदर एक हम लोग का दिया जाता है AC कॉयल वाला, वोल्टेज वाली कॉयल, उससे वोल्टेज आती थी। अभी जो मार्केट में नए नए बाइक सब लॉन्च हुआ है सब AC जमाना गया, अब आ रहा है क्या वोल्टेज DC वोल्टेज वाली। तो आप लोगों को CDI यूनिट हो यानी कि ECM हो उसमें वोल्टेज आप लोगों को प्रोवाइड करेगा इसके अंदर ऑटोमेटिक इग्निशन ऑन करने के बाद। अब क्या होगा, बाइक जब किक का उपयोग करेंगे, सेल्फ का उपयोग करेंगे, उसी वक्त जाएगा क्रैंक पोजीशन सेंसर जो होता है वो यानी कि सिग्नल प्रोवाइड करेगा, किसका, ग्राउंड का। हर कोई मैकेनिक भाई बोलते हैं किकअप कॉइल से तार लगा के किक का उपयोग करके वोल्टेज चेकअप करते हैं, तो क्रैंक ये गलती कभी भी मत करो। वोल्टेज जो है पिकअप कॉयल कोई भी बाइक में आज तक नहीं दिया है, आप लोग प्रमाण नहीं कर पाएंगे, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ पिकअप कॉयल कोई भी बाइक में वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ग्राउंड सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये सिग्नल ग्राउंड प्रोवाइड करेगा और वोल्टेज ऑटोमेटिक रहेगा, तो फिर ये क्या करेगा, वोल्टेज को हाई वोल्ट में कन्वर्ट करके यानी कि इसको देगा, और ये फिर क्या करेगा, सबसे ज़्यादा हाई वोल्ट करके इग्निशन कॉयल में जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ से अगर इग्निशन वोल्टेज करेगा तो क्या होगा, पूरे बाइक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और यहाँ से हम लोगों को जो मोटा मोटा वायर दिया गया है इसको भी अगर आप लोग हाथ दे देंगे तभी शॉर्ट मारेगा, इसीलिए कंपनी ने किया है। यहाँ से थोड़ा हाई वोल्ट करेगा, उसके बाद ये जो कॉयल जो बाटली कॉयल है इसको बोलते हैं ST कॉयल, इग्निशन कॉयल। तो इसका काम क्या, सबसे ज़्यादा हाई वोल्ट करके इस पर प्लग में करंट देना, तो पावर स्ट्रोक ऐसे ही बनता है, और करंट नहीं आएगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, इग्निशन लाइन कैसे वर्क करता है, आप लोग मेरे चैनल में हो, फेसबुक पेज में हो, जाकर देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये सब भी सही है, यानी कि स्पार्क प्लग में करंट भी आ रहा है, कंप्रेसर स्ट्रोक भी सही हो रहा है, सक्शन स्ट्रोक भी सही हो रहा है, तो बाकी स्टार्ट क्यों नहीं रहा है। तो फ्रेंड, मैग्नेट के अंदर दिया जाता है एक लॉक सिस्टम, कभी कभी ये क्या होता है, नॉट कोई मैकेनिक इंजन फिट करते वक्त नॉट ढीला रख देते हैं, किक मारते उसी दौरान उल्टा घूम रहा है इंजन, मैग्नेट लॉक कट जाता है, कटने का वजह से इसका टाइमिंग गलत जगह में चल जाता है, गलत दिशा में चल जाता है, और ये पिस्टन को टॉप में डिटेट नहीं कर पाते हैं, उसी बॉन क्या होता है बाइक पर करंट भी आएगा, सभी आएगा, लेकिन आपका बाइक जो है मिस फायर करेगा, बैक मारेगा। तो उसी दौरान आप लोगों को देखना है मैग्नेट खोल के मैग्नेट के लॉक को भी चेक कर लीजिए और आप लोगों का काम बन जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो एक बार हेड खोल कर यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व और इनटेक वाल्व को एक बार चेकअप कर लीजिए, पेट्रोल देकर कहीं लीक कर रहा है क्या। तो मैंने जो भी आप लोगों को बताया, स्टार्ट अगर ना हो तो 100% काम करेगा, ये मेरा वादा है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, फोर स्ट्रोक इंजन जो होता है, फोर स्ट्रोक का अर्थ क्या है, फोर स्ट्रोक का मतलब क्या है, सब आप लोगों को पूरे के पूरे जानकारी दिया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ से हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग थैंक यू, ऑल द बेस्ट।